तो कहानी की शुरुआत होती है और हम हमारी कहानी के हीरो इटोकी को देखते हैं, जो कि एक मिडिल स्कूल स्टूडेंट है और रोज अपनी दोस्त कोसू के साथ स्कूल अटेंड करता है। हम देखते हैं इटोकी अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश था। वो अपने दोस्तों के साथ घूमता है और स्कूल के सभी गेम्स में पार्टिसिपेट भी करता है। एक दिन इटोकी को एक लव लेटर मिलता है, तो जिसने उसे लव लेटर दिया था इटोकी उससे मिलने भी जाता है। जिसने उसे लेटर दिया था उसका नाम शुतोमी है और वो इटोकी से उसका बॉयफ्रेंड बनने के लिए पूछती है। अब इटोकी ये सुनकर अंदर से बहुत खुश होता है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि इटोकी की मदर उसे किसी भी लड़की के साथ जाने से मना कर देती है, लेकिन फिर भी इटोकी शुतोमी के साथ डेट पर जाता है। शुतोमी इटोकी को अपने घर ले जाती है। इटोकी काफी नर्वस लग रहा था, तभी शुतोमी आती है और अपने कपड़े उतार कर इटोकी के पास आ जाती है, लेकिन इटोकी उसे अपने से दूर करता है और उसे लगता है कि जरूर उसके साथ कोई प्रैंक हो रहा है, इसलिए वो बेड के नीचे देखता है, लेकिन वो बेड के नीचे एक निंजा देखता है जो तुरंत इटोकी पर अटैक कर देता है और उसके फेस पर एक कट भी मार देता है। तभी शुतोमी भी इटोकी पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है और तभी वहाँ बहुत सारे निंजा आ जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ स्मोक होता है और हम देखते हैं कि कोसो इटोकी की दोस्त, जो कि असल में एक निंजा है, वो उसे बचाने वहाँ आ जाती है। फिर वो इटोकी को खिड़की से बाहर फेंक देती है और खुद निंजा से फाइट करने लगती है। इटोकी सिटी की तरफ भागता है, जहाँ रास्ते में उसे एक पुलिस ऑफिसर दिखता है, तो इटोकी उससे मदद मांगता है, लेकिन तभी एक निंजा आ जाता है और ऑफिसर का गला काट देता है। तभी और निंजा आ जाते हैं और इटोकी को घेर लेते हैं, लेकिन तभी इटोकी के अंकल टाकाशाडा वहां आ जाते हैं और बहुत प्यार से उसे पूछते हैं कि उसकी डेट कैसे गई। फिर टाकाशाडा फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं और हम देखते हैं कि कोई भी उनकी लाइटनिंग जैसे स्पीड के सामने टिक नहीं पाता। फिर वो इटोकी को एक हिल वाली जगह पर ले जाते हैं, जिस जगह को सभी घर कह रहे थे। इटोकी एक घर के अंदर जाता है और इटोकी काफी सारे लोगों को देखता है। तभी युमिका, जो कि इटोकी की मदर है, वो आती है, जिन्हें देखकर इटोकी हैरान था। फिर वो इससे कहती है कि वो उन्हें चीफ कहकर बुलाए। युमिका बताती है कि वो एका विलेज की हेड है और सभी निंजा बाकी सभी नॉर्मल लोगों से अपनी पहचान छुपा कर रखते हैं। हालांकि उनका दुश्मन कोगा विलेज उन्हें हराकर खुद राज करना चाहता है, और साथ ही कोगा विलेज वालों ने ही इटोकी के ऊपर अटैक किया था, क्योंकि इटोकी ही एकेगा विलेज का अगला हेड बनने वाला है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोगा विलेज का सब्स्टिट्यूट चीफ काइडो सभी मेंबर से कहता है कि वो एका विलेज से अपने चीफ किशन मारू की मौत का बदला लेंगे। हम देखते हैं कि शुतोमी इटोकी से निंजा बनने की कह रही थी, जिससे वो अपनी रक्षा खुद कर सके और सेफ रह सके, लेकिन टोकी को ये सब निंजा वाली बातें सच ही नहीं लग रही थी। तभी अंकल टाकाशाडा इटोकी को अपने साथ बाहर ले जाते हैं और उसे दो ऑप्शन देते हैं, निंजा बनो या मर जाओ। फिर टाकाशाडा बताते हैं कि युमिका से पहले इटोकी के फादर विलेज चीफ थे, लेकिन उसके फादर की डेथ हो गई, इस वजह से युमिका को चीफ बनना पड़ा, जिससे वो विलेज को खत्म होने से बचा सके। अब ये सुनकर इटोकी को समझ आता है कि उसकी मदर ने अकेले कितना कुछ करा होगा, इसलिए इटोकी भी निंजा बनने के लिए मान जाता है। नेक्स्ट डे एक लेडी इनाया इटोकी को बताती है कि उसे एक निंजा बनने के लिए निंजा स्कूल में ज्वाइन होना पड़ेगा, जो कि पूरे जापान में एक अकेला निंजा स्कूल है और कई साल पहले सभी की सहमति के साथ इस स्कूल को बनवाया गया था, जिससे सभी को नॉलेज दी जा सके। फिर वो बताती है कि ज्वाइन होने के लिए इटोकी को एक टेस्ट पास करना होगा, जिसके बाद ही वो स्कूल ज्वाइन कर सकता है। एग्जाम वाले दिन टाकाशाडा बताते हैं कि जहाँ इटोकी एग्जाम देने जा रहा था वो जगह कोगा क्लेन ने खरीद रखी है। हम देखते हैं कि कई स्टूडेंट्स टेस्ट देने आए थे। टीचर बताते हैं कि उन्हें पास होने के लिए हाइड एंड सीक का गेम खेलना होगा। रूल्स है, जिसे छुपना होगा वो पहले जाएगा, उसके बाद ढूंढने वाला जाएगा, और अगर गए टाइम मॉल के सभी लोगों के बीच अपने ओपोनेंट को ढूंढना होगा। कोसू बहुत जल्दी और बहुत आसानी से अपनी ओपोनेंट को ढूंढ लेती है। फिर इटोकी की बारी आती है और उसकी ओपोनेंट शुतोमी थी, जिसने उसके ऊपर पहले अटैक किया था, लेकिन इटोकी को इसके बारे में नहीं पता था। इटोकी शुतोमी को ढूंढ ही रहा होता है, तभी एक कोगा निंजा इटोकी को मारने आ जाता है, लेकिन टाकाशाडा उस निंजा को चुपचाप पकड़कर अपने साथ ले जाता है। कोसू इटोकी को बताती है कि मॉल में और भी बहुत सारे कोगा निंजा हैं, तो वो संभल कर रहे। तभी दूर से एक निंजा इटोकी पर अटैक करता है, लेकिन कोसू उसे बचा लेती है। फिर वो उसे निंजा के पीछे जाती है और बाथरूम में कोसू को पता चलता है कि वो निंजा शुतोमी ही है। तुरंत वो दोनों फाइट करने लगती है, लेकिन कुछ देर में शुतोमी वहां से भागने में कामयाब हो जाती है और इटोकी के पास जाने लगती है। इटोकी को जल्दी से जल्दी पता लगाना था कि शुतोमी कहाँ है, इसलिए वो मॉल में धुआं कर देता है और फायर अलार्म ऑन कर देता है। सभी बाहर भागने लगते हैं, फायर अलार्म की वजह से पानी गिरने लगता है। अब पानी की वजह से शुतोमी दिखने लगती है, लेकिन फिर शुतोमी इटोकी पर सीधा अटैक करने लगती है, लेकिन तभी कोसू आ जाती है और उसे लात मारकर दूर कर देती है। तभी वहाँ एनएसए निंजा आ जाते हैं और शुतोमी को पकड़ कर ले जाते हैं। इटोकी उनसे कहता है कि उसे शुतोमी को अटैक करना है जीतने के लिए, लेकिन तभी टीचर उसे बताते हैं कि उसका टाइम खत्म हो चुका है। फिर वो इटोकी से पूछते हैं कि उसने फायर अलार्म वाला तरीका ही क्यों चुना शुतोमी को पकड़ने के लिए।
इटोकी बताता है कि वह बाकी के सभी लोगों को खतरे से दूर रखना चाहता था। हम देखते हैं इटोकी टेस्ट में फेल हो गया था, लेकिन फिर भी उसे उन स्टूडेंट्स में चुना जाता है जो पास हो गए थे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम हयाटो को देखते हैं जो कि एनएससी का कैप्टन है। वो कोगा क्लेन के पास जाता है और उन्हें बताता है कि शुतोमी जो कि काइडो की बेटी है वो अरेस्ट हो चुकी है। काइडो उसे बताता है कि वो कुछ दिन पहले उनके क्लेन के रूल तोड़ने की वजह से निकाल दी गई थी, इसलिए अब उनका उनके साथ कोई ताल्लुकात नहीं है। हयाटो वहां से जाने लगता है, तभी उसे एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि शुतोमी ने अपने आप को खत्म कर लिया है। फिर हम देखते हैं कि इटोकी निंजा बनाने की ट्रेनिंग के लिए अपने अकेडमी के लिए निकल जाता है कोसू के साथ। इटोकी जैसे ही ट्रेन से उतरता है, वो एक बहुत क्यूट लड़की को अपने सामने देखता है और देखते ही रह जाता है। वो लड़की भी इटोकी से बातें करती है और अपना नाम रायो को बताती है। फिर रायो को अपने दोस्तों के साथ चली जाती है। इटोकी अपने क्लास में जाते हुए कुछ लड़कों से टकरा जाता है जो कि कोगा क्लेन से थे और वो बहुत अच्छे से बातें नहीं कर रहे थे। बात बिगड़ती है, उसे पहले एक लड़की कायरी वहां जाती है और ऐसा दिखाती है जैसे वो इटोकी को जानती है और इटोकी को अपने साथ ले जाती है। फिर हम देखते हैं कि इटोकी और कायरी के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर स्कूल प्रिंसिपल जुआन सभी स्टूडेंट्स को बताते हैं कि एक निंजा के 3 रूल होते हैं। पहला, कभी किसी को पता न लगने दो कि तुम कौन हो। दूसरा, कभी किसी को जान से मारना नहीं। और तीसरा, कभी अपने लोगों को धोखा नहीं देना। फिर जुआन बताते हैं कि अगर ये रूल कभी भी टूटे और किसी को इसका पता नहीं चला तो सब ठीक है। फिर हम देखते हैं कि इटोकी और कायरी एक ही क्लास में थे और कायरी का भी स्कूल में पहला दिन था। फिर लंच हो जाता है और सभी लंच खाने चले जाते हैं। वहाँ उन्हें फिर कोगा के लोग मिलते हैं और इटोकी उनकी तरफ देखता है, जिससे गुस्सा होकर उनमें से एक इटोकी से लड़ने आ जाता है। हालांकि कोगा एक दूसरा मेंबर सुजाकू अपने दोस्त को शांत करा देता है और इटोकी को बताता है कि उनके विलेज का लीडर किशन मारू, जो कि सभी विलेज के बीच शांति चाहता है, उसे एका क्लेन के किसी ने जल्द ही मार दिया था, इसलिए कोगा क्लेन उनसे बदला जरूर लेगा। फिर हम देखते हैं कि इटोकी की क्लास टीचर निंजा सूट के बारे में बताती है, जिसके बारे में इटोकी को कुछ नहीं पता था। फिर वह सभी स्टूडेंट्स को एक टास्क देती है, सभी स्टूडेंट्स को फॉरेस्ट पार करके एक मेंशन से जो प्रिंसिपल खा रहे हैं उन्हें खत्म करने से पहले। सभी अपने सूट पहनते हैं और निकल जाते हैं, लेकिन इटोकी सूट पहने के बाद हिल भी नहीं पा रहा था। तभी वहाँ रायोको आती है और इटोकी के सूट को उसकी बॉडी पार के हिसाब से एडजस्ट करने में मदद करती है। रायोको रोगा क्लेन से है, जो कि निंजा सूट और निंजा वेपन में एक्सपर्ट है। इटोकी जल्दी जल्दी इसमें पहाड़ से कूद जाता है और नीचे गिरता है, लेकिन इसे उसके सूट की वजह से कुछ नहीं होता। रायोको बताती है कि बस सूट के कोर को कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहीं से सूट को पार मिलती है और अगर कोर को कुछ हुआ तो सूट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। फिर वो दोनों साथ में आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी सुजाको उनके सामने आ जाता है और इटोकी पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी कोसू आ जाती है और सुजाको को रोक लेती है और उन दोनों से आगे जाने को कहती है। वो दोनों फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं। इटोकी कुछ देखता है और रायोको को आगे जाने को कहता है। फिर इटोकी फॉरेस्ट में कारी को देखता है, जिस पर कुछ स्टूडेंट्स ने मिलकर अटैक किया था और उसका सूट का कोर भी तोड़ दिया था। इटोकी उन स्टूडेंट्स के पास जाता है, लेकिन वो कुछ ही देर में समझ जाते हैं कि इटोकी काफी वीक है, इसलिए वो उसे मिलकर पीटने लगते हैं। फिर वो इटोकी का कोर तोड़ने ही वाले थे, लेकिन तभी प्रिंसिपल आ जाते हैं और उन्हें वहां से जाने को कहते हैं। फिर इटोकी कायरी के पास वापस जाता है और उसे बताता है कि उसने फाइट के दौरान उनमें से एक का मोंजू ले लिया था, जो कि उन लोगों ने कायरी से लिया था। फिर इटोकी कायरी को लेकर जाने लगता है। फिर वो रायोको से ब्रिज पर मिलता है, जो कि प्रिंसिपल से अपना मोंजू लेकर आ चुकी है। इटोकी रायोको को कायरी का ख्याल रखने को कहकर अपना खुद का मोंजू लेने चला जाता है। फिर इटोकी प्रिंसिपल के पास पहुंचता है, जिनके पास सिर्फ एक ही मोंजू बचा था, लेकिन प्रिंसिपल इटोकी के सामने ही वो मोंजू खा लेते हैं, जिससे इटोकी टेस्ट में फेल हो जाता है। नेक्स्ट डे इटोकी देखता है कि सभी लोग उसे दूर जाने की कोशिश कर रहे थे। फिर हम देखते हैं, क्योंकि सुजाकू और उसके दोस्तों ने सभी को धमकी दी थी इटोकी से बात न करने की। हालांकि कोसू इटोकी से कहती है कि उसे उनके तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। फिर वो दोनों रायोको और कायरी के साथ बैठ जाते हैं। क्लास में टीचर सभी को बताती है कि 2 दिन में उनका निंजा टूल्स के ऊपर टेस्ट होने वाला है। इटोकी और उसके दोस्त काफी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ज्यादा कुछ नहीं आता था। इटोकी पिछले टेस्ट में भी फेल हुआ था, इसलिए वो इस टेस्ट में भी पास होना चाहता था। रायोको उनकी मदद करने को कहती है, क्योंकि उसके विलेज के लोग अपने वेपन के बारे में बहुत अच्छे से जानते थे। सभी स्टडी करने लगते हैं। फिर कायरी बताती है कि उन्हें टेस्ट के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ टेस्ट के आंसर टीचर के पास से चुराने हैं। उसी रात इटोकी पता करता है कि टीचर ने आंसर एक लॉकर में रखे हैं। फिर कायरी टीचर का ध्यान अपनी तरफ करती है और फिर बाकी के लोग टीचर के ना होने पर लॉकर में से आंसर निकाल लेते हैं। टेस्ट वाले दिन टीचर टेस्ट शुरू करती है, लेकिन जल्दी सभी को पता चलता है कि आंसर बदल चुके हैं। फिर हम देखते हैं कि कोका क्लेन का मेंबर एमेरा ने सभी आंसर पहले ही चेंज कर दिए थे। टेस्ट में फेल होने की वजह से इटोकी और उसके दोस्तों को सफाई का काम दिया जाता है। रायोको भी उनकी मदद करने आ जाती है, जबकि वो टेस्ट में पास हो गई थी।
सफाई करते हुए कोसो इटोकी के पास आती है और उसे बताती है कि जरूर उनके बीच कोई धोखेबाज है जिसने उनका आंसर चेंज करने का प्लान किया होगा, कोगा के लोगों को बताया है। फिर हम क्लास का सीन देखते हैं जहां टीचर उन्हें बता रही थी कि सभी का एक जॉइंट टेस्ट होने वाला है जो उनके और दूसरे किसी क्लास के बीच होगा। फिर टीचर बताती है कि हर साल इस टेस्ट के दौरान किसी न किसी को चोट जरूर लग जाती है और यहां तक कि डेथ भी हो जाती है, इसलिए सभी संभल कर रहे। इटोकी का ग्रुप डिस्कस कर रहा था कि उन्हें इस प्रैक्टिकल टेस्ट को कैसे जीतना है। साथ ही कोसू और इटोकी इसका भी पता लगा रहे थे कि उनके बीच धोखेबाज कौन है। तभी रायोको इटोकी को एक मास्क देती है जो रेगा क्लेन ने कुछ टाइम पहले ही बनाया था, जिससे मास्क पहने वाले की पूरी बॉडी और साथ ही उसकी आवाज भी बदली जा सकती है। फिर कोसू इटोकी को बताती है कि टेस्ट के दौरान कोगा वाले जरूर कुछ करेंगे, इसलिए उन्हें भी मिलकर सजाकू को रास्ते से हटाना होगा। लेकिन इटोकी इस प्लान के बिल्कुल भी साथ नहीं था क्योंकि वो किसी को मारना नहीं चाहता था। फिर इटोकी कोसू को अकेला छोड़कर बाहर चला जाता है। बाहर घूमते हुए उसे जुआन मिलते हैं। फिर इटोकी जुआन से बातें करने लगता है और उनसे पूछता है कि अगर निंजा किलर होते और क्या निंजा होने की वजह से उसके फादर की डेथ हुई है। जुआन बताते हैं कि वो अकेला नहीं जिसने ये सवाल पूछा है, उसके फादर और कोगा के पिछले लीडर में भी यही सवाल पूछा था। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि इटोकी कोसू के साथ टेस्ट के लिए ट्रेनिंग कर रहा था और साथ ही सुजाकू को हराने के लिए कई प्लान बनाते हैं और अगर वो सही नहीं बनते तो उन्हें फेंक देते हैं। फिर हम देखते हैं कि टेस्ट शुरू होता है और कोगा के लोग इटोकी की लोकेशन की तरफ जाते हैं, लेकिन वहाँ पहले से ही उनके लिए ट्रैप था जिससे वो सभी बेहोश हो जाते हैं। फिर कोसू सुजाकू को मारने के लिए निकल जाती है, लेकिन सुजाकू भेष बदलकर इटोकी के पास आ जाता है उसे मारने। सुजाकू इटोकी का पीछा करता है और इसे गिरा भी देता है, लेकिन इटोकी हार नहीं मानना चाहता था क्योंकि उसे पता था कि अगर वो मर गया तो सभी रिवेंज लेते रहेंगे और कुछ भी नहीं बदलेगा। इटोकी खिड़की से नीचे कूद जाता है और स्मोक कर देता है, फिर धुएं में से अटैक करने लगता है, लेकिन सुजाकू इसके सभी अटैक को रोक ले रहा था। फिर इटोकी हिम्मत करके आगे आता है और चलाके से सुजाकू के सूट का पोर तोड़ देता है। तभी टेस्ट भी खत्म हो जाता है और इटोकी फाइट की वजह से बेहोश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि इटोकी होश में आ जाता है और इसके सभी दोस्त उसे ठीक देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर कारी इटोकी को कहती है कि उसका अच्छा दिल एक दिन उसके लिए मुश्किल बन सकता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कारी सुजाकू के पास गई थी। फिर कारी सुजाकू को कुछ बातें बताती है और सुजाकू कारी से कहता है जैसा करने को कहा है वैसा ही करती रहो। इससे हमें पता चलता है कि कारी ही इटोकी के ग्रुप में धोखेबाज है। लेकिन ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको आगे की स्टोरी जाननी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ तक देखने के लिए आपका